Starting with the blessed name of Allah Subhanahu wa ta Ta'ala peace and salutation upon our beloved prophet peace be upon him assalamu alaikum english class 5 unit 9 patriotism i'm your english teacher miss rabia today i will translate this lesson for its complete exercise you can see the link below let's start लेट स्टार्ट यूनिट नाइन पैट्रियोटिज्म पैट्रियोटिज्म हुबल वतनी वतन से मोहब्बत का जज्बा गेटिंग स्टार्टेड एजुकेशन मेक्स अ नेशन स्ट्रॉग बाई मेकिंग पीपल लर्न एंड स्किलफुल तालीम लोगों को इन वाला और महारत याफ्तर बनाकर एक कौम की एक कौम को ताकतवर बनाती है इट ऑल्सो मेक्स लाइव बेटर फॉर दोज हु नीड टू स्ट्रगल फॉर देयर सरवाइवल यह उनकी ज़िंदगियों को भी बेहतर बनाती है जिन्हें अपनी बका के लिए जद्दोजहद की जरूरत होती है स्ट्रोंग नेशंस ऑलवेज वर्क हार्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी मजबूत कॉमें हमेशा मुआरे की फलाहो बहबूद के लिए सख्त मेहनत करती हैं वट इज हैपनिंग इन दीज पिक्चर्स डिस्क्राइब इट इन योर ओन वर्ड्स कि इन तस्वीरों में क्या दिखाई दे रहा है अपने अल्फाज में बयान करें। स्टूडेंट्स इन दिस पिक्चर स्टूडेंट्स आर गोइंग टू देयर स्कूल नेक्स्ट इज व्हाट कैन यू डू फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी आप अपने मुआरे की फलाह व बहबूद के लिए क्या कर सकते हैं सो वी कैन वर्क हार्ड फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के अपनी माशरे की फलाह व बहबूद के लिए सख्त मेहनत कर सकते हैं नाउ कम ऑन पेज एटी सिक्स स्ट्रेंथ, एक कौम की ताकत प्री रीडिंग वॉट डू द कलर्स ऑफ अवर नेशनल फ्लैग मीन हमारे कौमी परचम हमारे कौमी झंडे के रंगों का क्या मतलब है द ग्रीन कलर रिप्रजेंट्स आर मुस्लिम्स एंड वाइट कलर रिप्रजेंट्स माइनॉरिटीज़ सब्ज़ रंग मुसलमानों को ज़ाहिर करता है और सफ़ेद रंग अकलीतों को ज़ाहिर करता है कि इसमें मुसलमानों के अलावा और कौमों के लोग भी रहते हैं और कंट्रीज़ के लोग भी रहते हैं और मजाहब के लोग भी रहते हैं हाउ डू यू सेब्रेट द इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान आप पाकिस्तान का योम आज़ादी कैसे मनाते हैं मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मैं अपने पाकिस्तान का योम आज़ादी कैसे मनाती हूँ आई सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान हेल्पिंग द नीडी पीपल एंड वेयरिंग ग्रीन एंड वाइट ड्रेस ठीक है मैं पाकिस्तान का योम आज़ादी ज़रूरतमंदों की मदद करके और सब्ज़ और सफ़ेद रंग का लिबास पहन कर मनाती हूँ आप अपना बताएंगे कि आप कैसे मनाते हैं लेट स्टार्ट इट्स रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक सोना नहीं लेकिन सिर्फ इंसान बना सकते हैं आ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रोंग एक अजीम कौम को एक कौम को अजीम और मजबूत ओके आ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रोंग एक कौम को अजीम और मजबूत मैन हु फॉर ट्रुथ एंड ऑनर्स सेक आदमी जो सच्चाई और इज्जत की खातिर स्टैंड फास्ट एंड सफ़र लॉन्ग साबित कदम रहते हैं और मुश्किल को देर तक बर्दाश्त करते हैं ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर स्लीप बहादुर आदमी वो हैं जो तब काम करते हैं जब दूसरे सोते हैं हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई जो तब जुरद करते हैं जब दूसरे भाग जाते हैं दिल्ट अ नेशंस पिलर्स डीप वो कॉम के सतूनों को गहरा बनाते हैं गहरा करते हैं एंड लिफ्ट देम टू दी स्काई और उन्हें आसमान की तरफ ऊंचा ले जाते हैं बाय रॉल्फ वाल्डन एमरसन वर्ल्ड रीडिंग हाउ डू ब्रेव मैन मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग बहादुर आदमी एक कौम को कैसे मजबूत बनाते हैं ब्रेव मैन मेक अ नेशन स्ट्रोंग बाय वर्किंग एट द टाइम वेन अदर स्लीप बहादुर आदमी ऐसे वक्त में काम करके एक मजबूत कौम बनाते हैं जब दूसरे सोए हुए होते हैं नाउ पोस्ट रीडिंग हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टू मेक अवर नेशन ग्रेट एंड स्ट्रोंग शेयर योर व्यूज हम अपनी कौम को अजीम और मज़बूत बनाने में किस तरह हिस्सा डाल सकते हैं अपने ख्याल का इजहार करें सो आंसर इज वी कैन कंट्रीब्यूट टू मेक अवर नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉग बाई वर्किंग हार्ड हेल्पिंग अदर्स एंड स्पीकिंग वेल हम सख्त मेहनत करके दूसरों की मदद करके अच्छा बोल कर अपनी कौम को अजीम और मजबूत बना सकते हैं वॉट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोइम डिस्कस इट इन योर वर्स की नजम का मरकजी ख्याल क्या है उसे अपने अल्फाज में बयान करें दिन आइडिया ऑफ दिस पोइम इज दीज आर मैन नॉट गोल्ड विच मेक अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रोंग कि ये आदमी है सोना नहीं जो एक कौम को अजीम और मजबूत बनाते हैं यानी किसी भी कौम को अजीम और मजबूत बनाने के लिए कोई सोना कोई हीरे जवाहरात बहुत पैसों की ज़रूरत नहीं है बल्कि एक अच्छे अजीम इंसान की ज़रूरत है एक अच्छे शहरी की ज़रूरत है जो कि ईमानदार हो हार्ड वर्कर हो डियर स्टूडेंट्स ये थी हमारी ट्रांसलेशन आनेशन स्ट्रेंथ की इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे तब तक के लिए हाफिज़